नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट 02। आज मैं आप लोगों के लिए भी एक नया बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। इस प्रोडक्ट्स को बनाने से पहले मैं करता हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज देखने मिलेंगे जिसके ओरिजिनल बेस्ड फॉर्मुलेशन आपको मैं देता हूँ। और साथ ही मेरे चैनल के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। उससे ये बेनिफिट मिलती है आपको कि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करता हूँ तो आपको मेरे उस नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है, जिसके कारण आप जो है इजीली उस नए वीडियो को देख लेते हो। इसके साथ साथ एक दोस्तों एक रिक्वेस्ट और आपसे करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो, मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि ये जो बेस मैं दे रहा हूँ आज का, ये ओरिजिनल बेस है। इस ओरिजिनल बेस फॉर्मुलेशन से आप इजिली जो है इस प्रोडक्ट को बना सकते हो। तो मैं आपसे एक ही उम्मीद करूंगा कि केवल आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक देने की कोशिश करें। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वर्ड को सुनते ही लाइक कर दें। ये बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। बाकी आप जो है इस प्रोडक्ट को देख के आप इजीली घर से बनाएं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, जिसका नाम मैं पहले बता देता हूँ। ये जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इसका नाम है सिलिकॉन ऑयल। कुछ लोग बोलते हैं कौन सा ग्रेड, तो ग्रेड उनसे बोल दीजिए, सामने जिससे परचेस करते हैं उनको बोलिए कमर्शियल ग्रेड, जो कि हम पॉलिश में यूज़ कर सकें, तो सामने वाला आपको प्रोवाइड कर देगा। तो सिलिकॉन ऑयल हमको लेना है 50 ग्राम। याद रखिएगा क्वांटिटी ऊपर नीचे ना हो। ये देखिए, मैं आपको मेज़रमेंट में दिखा देता हूँ। ये मग जो है मेज़रमेंट वाला ही है। अगर आपके पास कांटे वगैरह नहीं है, वेट मशीन नहीं है, तो ऐसे मग का ML का यूज़ करके, ML में मेज़रमेंट करके आप बना सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है बनाने का। इसमें भी मेज़रमेंट कोई भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं होता और अच्छी तरह बन जाता है। अगर आपके पास वेट स्केल का जो कांटा है वो नहीं है तो इसे यूज़ करिए, इस मग को। अगर है तो इस मग को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम 50 ग्राम जो है सिलिकॉन ऑयल लेंगे। और ये देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसको क्लियर करके दिखा देता हूँ। अब देख लीजिए आप, 100 ग्राम से आधा मैंने ले रखा है 50 ग्राम। तो 50 ग्राम हम ले लेंगे सिलिकॉन ऑयल। इस सिलिकॉन ऑयल के बाद हमको इसमें लेना है अल्फॉक्स 200। दोस्तों, 200 क्या होता है, ये इसका ग्रेड है अल्फॉक्स का। तो अल्फॉक्स 100 भी आता है मार्केट में, 300-400 भी आता है, हमको लेना है अल्फॉक्स 200। अभी जो सिलिकॉन ऑयल आपने देखा वो ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है और स्मेल लेस होता है, वो एक किस्म का ऑयल होता है। और अल्फॉक्स 200 क्या होता है, अल्फॉक्स 200 वो प्रोडक्ट्स होता है जो आपके कोई भी ऑयल को वाटर में डाइल्यूट कर सके। ये देखिए, मैंने इसको 100 ग्राम ले लिया है, मतलब 50 ग्राम सिलिकॉन ऑयल पहले से था, इसके अंदर 50 ग्राम अल्फॉक्स लेने के बाद इसका क्वांटिटी मेजरमेंट 100 ग्राम हो चुका है। दोनों भी अभी आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, लेकिन जब ये मिक्स होंगे तो इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। सिलिकॉन से अल्फॉक्स जब मिलता है तो इसका कलर क्रीमिश टाइप में हो जाता है, वाइट कलर में। देखने में इस तरह लगेगा कि आप फेविकोल जैसे गम को यूज़ कर रहे हो। ये देखिए, इसका कलर चेंज होते चले जाएगा, आप देखते रहिए ध्यान से, ये क्रीम कलर का हो चुका है। इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है दोस्तों, इसको अच्छी तरह जितना हो सके उतना मिक्स कर लीजिए। ये पूरी फेविकोल की तरह दिखेगा। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो जाके इसे यूज़ करना है। इसे डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं, जिस जगह पे आपको यूज़ करना है इसको डायरेक्टली यूज़ करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली भी यूज़ होता है और पानी के साथ भी यूज़ होता है। अब मैं पहले दिखा देता हूँ इसका डेमो, कि किस तरह डेमो इसका आता है और किस तरह डेमो देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें शाइनिंग आती है। मैं आपको एक फ़ोन के ऊपर दिखाता हूँ कि फ़ोन के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट आता है। ये मेरे एक फ़ोन है, इसमें देख लेते हैं हम। ज़्यादा मैंने ऑयल लिया नहीं है सिलिकॉन का। इसको नॉर्मली उंगली से भी प्रेस कर आप पूरे फैला सकते हो और कपड़े की सहायता से भी फैला सकते हो। अगर पॉलिस्टर का आपके पास कपड़ा है पतला, तो अगर उससे आप लगाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा शाइन करेगा।
आप सोच नहीं सकते उस तरह का शाइनिंग देगा ये। हाँ, इसे कांच वगैरह पे मत लगाइए, क्योंकि ये कांच वगैरह पे लगाने के लिए नहीं है। आप इसे गाड़ी के टायर्स पे लगा सकते हो, इसी आपके किसी और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जो भी हैं या रबड़ के प्रोडक्ट्स जो भी हैं उस पे लगा सकते हो। गाड़ी के कांच को छोड़ के गाड़ी के जो आपके होते हैं पैंट वगैरह उन पे भी लगा सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाड़ी को और आपका कलर भी मेंटेन रहता है। देखिए कितनी अच्छी तरह शाइनिंग था, लेकिन इससे क्या रेट बढ़ जाता है। तो मैंने अभी इसमें और भी थोड़ा पानी डाल दिया है और पानी डाल के इसका रेट जो है मैंने कम कर रखा है। तो इस तरह अगर आप रेट रिड्यूस करना चाहते हो तो इसमें पानी डाल दीजिए। 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम जो लेते हो माल उसके अंदर आप कम से कम 1 लीटर पानी डाल सकते हो और आपका रेट जो है नीचे कर सकते हो। इस तरह आप इसे ईज़िली बना सकते हो घर से। बहुत ईजी फार्मूलेशन है दोस्तों, इसी तरह आप बनाइए घर से और इसको जो है बॉटल्स में, स्प्रे बॉटल्स में पैक करके पानी वाला यूज़ कर सकते हो टायर्स वगैरह पे और इसे बेच भी सकते हो। आप अपने हिसाब से इसका रेट निकाल लीजिए, क्या रेट पड़ता है उस हिसाब से अपनी मार्जिन रखिए और उस हिसाब से बेचिए इसे। लाइसेंस के लिए इसके अंदर केवल ट्रेड लाइसेंस लगने वाला है और कुछ भी लगने वाला नहीं है दोस्तों। तो आप ट्रेड लाइसेंस लेके भी कर सकते हो, विदाउट ट्रेड लाइसेंस के भी कर सकते हो। इसे गैरेज वगैरह में ज़्यादा करके सेल किया जाता है, तो वहाँ पर इसे ज़्यादा करके सेल करिए और आप जो गाड़ी वगैरह धोलते हैं वहाँ पर भी सेल कर सकते हो। बाकी इस प्रोडक्ट में बताने लायक कुछ और नहीं है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें इसी वीडियो के नीचे, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।